सबसे पहले जाएंगे सिंपल पे, लॉगिन करेंगे आईडी पासवर्ड, उसके बाद सर्विस रिक्वेस्ट पे ओके करेंगे, फिर गाड़ी नंबर सर्च करेंगे, उसके बाद गाड़ी नंबर डालने के बाद गो पे ओके करेंगे। फिर यहाँ देखेंगे इसका जॉब कार्ड ओपन है क्लोज, क्लोज है तो फिर चेसिस नंबर कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी या फिर राइट क्लिक करके, उसके बाद प्लस करेंगे, फिर जॉब नंबर पेस्ट करेंगे यहाँ पे और फिर टैप करेंगे, कंप्रेसिव में डालेंगे इंश्योरेंस टाइप और सर्विस टाइप जोन सी जिस चीज़ के लिए आया हो बंदा, पेड या फ्री वो डालेंगे, जो भी जॉब कार्ड के लिए वो कहेगा फर्स्ट सर्विस हो या पेड में हो या वारंटी जो भी है पेड में खोल रहे हैं। फिर यहाँ नाउ डन टाइमिंग के लिए किलोमीटर उसकी गाड़ी में जो हो रहे हैं वो किलोमीटर डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर देखने के बाद ठीक है अब नीचे आके एसएससी जॉब नंबर ये सोर्स टाइप गलत ऐसे खुल गया था, कोई दिक्कत नहीं बैक कर दो। नीचे एसएससी में जाएंगे जॉब कार्ड प्लस करके एसएससी डाल देंगे, टैप करा, उसके बाद ऊपर जाएंगे सर्विस रिक्वेस्ट डिटेल्स में, ये ऊपर छोटा सा बॉक्स होना बीच में ऊपर की साइड ऐसे ही, हाँ डिटेल्स खोलेंगे इसकी, इसको फिर इससे सबसे नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ इंश्योरेंस लिखा नो इंश्योरेंस करके कोई भी डेट डाल देंगे अगले मंथ की उससे ज़्यादा की मतलब, उसके बाद न्यू जॉब पे ओके करेंगे, ये विंडो खुलेगी इसे ओके कर देना जितनी एक दो तीन बार खुलेगी, उसके बाद यहाँ जॉब कार्ड ओपन होके आ जाएगा। फिर इस जॉब कार्ड को कॉपी कर लेंगे, यहाँ से भी जा सकते हैं पार्ट एंट्री के लिए पर हम कॉपी करके वहाँ से जाएंगे जैसे स्टोर वालों को देते हैं हम एंट्री के लिए। फिर हम जाएंगे ऑर्डर के अंदर, ऑर्डर में जाने के बाद गाड़ी नंबर से या जॉब नंबर जो हमने कॉपी करा उसे ऑर्डर लिस्ट सेकंड में पेस्ट करेंगे, फिर जॉब नंबर डालेंगे सर्च, उसके बाद जॉब कार्ड के अंदर जाएंगे, फिर गाड़ी नंबर देख लेंगे सही है ना ठीक है। फिर अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद प्लस करेंगे, पार्ट नंबर डालेंगे जितने भी हमारे पास एमआर होगी जितने पार्ट होगी सारे पार्ट डालेंगे, और ऑयल का हमेशा ध्यान रखना है कि एमएल में जाता है एमआर नंबर डाल दो अपना पार्ट जो भी पार्ट गया मतलब एमआर दी होगी, सारा पार्ट डालने के बाद गेट प्राइस ऑल सारे प्राइस पार्ट देख लेना हमारी एमआर के हिसाब से है ना, फिर गेट प्राइस ऑल करना है एमआर प्राइस देखने प्राइस ठीक है ना सबके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उसके बाद हम करेंगे फुलफिल ऑल, फुलफिल नहीं करना कभी भी फुलफिल ऑल करना है हमेशा। फुलफिल ऑल करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये भी घूम रहा है थोड़ा स्लो चल रहा है, स्क्रॉल डाउन करेंगे ये देखो पिक टिकट लिख के आ रहा है ना इसके नीचे हाइपर लिंक है इस पर ओके करेंगे, फिर पिक ऑल करेंगे, ये क्वांटिटी शिप्ड क्वांटिटी लिखे ना इसके बराबर में आ जाएगी, वो मैच करनी है कि हाँ बराबर आ रही है कि नहीं आ रही, कुछ गड़बड़ है तो चेक करवानी है, उसके बाद ऊपर जाएंगे शिप करेंगे, पिक कॉल करने के बाद शिप में या क्लोज लिख के आ जाएगा ओपन लिखा आ जाओ, उसके बाद सिंपली ऑर्डर में जाएंगे, ऑर्डर से अपना देख लेना एक सामान न्यू में इसे हम अदर इन्वेंट्री वगैरह से कर लेंगे, बाकी सामान चेक कर लेना शिप है ना, उसके बाद दोबारा गेट प्राइस ऑल करो सामान चेक कर लो अपना, उसके बाद सिंपली ऊपर जाना है पार्ट एंट्री कंप्लीट है ना वहाँ पे टिक लगाना है साइड में क्लिक कर दो इससे सेव हो जाएगा, दोबारा करना पड़ेगा ये कभी कभी एरर की वजह से होता है ऐसा, फिर कर दो उसके बाद जॉब कार्ड से बाहर निकलो पार्ट एंट्री कंप्लीट हो जाएगी और बिलिंग